ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਵੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀਗੀ 10,000 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਚੋਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਓ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਜੋ ਜੀ 20 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਣਗੇ ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए News89 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर धन्यवाद बीते दिनों राजपुरा शहर में रोजाना रात को हो रही चोरियों ने लोगों की नाक में दम करके रख दिया है। पहली चोरी 11 नवंबर को पुराना राजपुरा के प्रकाश ज्वेलर की दुकान में हुई। दूसरी चोरी 7 के साथ 12 नवंबर को कस्तूरबा रोड पर स्थित सुरिंद्रा स्पोर्ट्स की दुकान में हुई, जहां चोरों ने बड़े आराम से शटर तोड़कर लाखों रुपया चोरी कर लिया। और अब तीसरी चोरी बीते दिनों यहां की गोविंद कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर बड़े ही आराम से एक घर से दूसरे घर में दाखिल हो रहा है और कुछ हाथ नहीं लगा तो बच्चों की साइकिल पर ही हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गया। आप इन सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो कि चोरों को पुलिस का कितना खौफ है कि आराम से रोजाना किसी ना किसी दुकान या मकान को अपना निशाना बना लेते हैं और बिना किसी डर के फरार होकर अगली रात का इंतजार करते हैं। और पुलिस सिर्फ कार्रवाई के नाम पर भरोसे के अलावा कुछ नहीं दे पा रही है। अब तो राजपुरा शहर के लोगों का ये हाल है कि उन्हें अपने घर के बाहर रात को खुद पहरा देना पड़ता है और उनका कहना है कि ना तो उन्हें पुलिस प्रशासन पर भरोसा रहा है और ना ही उन्हें अपने चौकीदार पर, इसलिए उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है। आइए आपको पहले दिखाते हैं गोविंद कॉलोनी में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज और बाद में सुनाते हैं कि क्या कहना था गोविंद कॉलोनी में रहने वाले लोगों का। मेरा नाम विवेक मोंगा हैगा जी। मेरी हॉस्पिटल दे बाहर जड़ी हैगी है अपनी क्लिनिकल लैब हैगी है, पिछे ही मेरा घर हैगा जी। ठीक है सर। रात नूं मेरे कोल पौने दो बजे दे करीब करीब जड़ा सीगा एक बंदा घर ही दाखिल होया हैगा। हां जी। ओ बंदा जड़ा बहुत प्रोफेशनल बंदा सीगा, उन्हें दबे पाओ मेरे घर च आया हैगा। उन्हें पहला घंटा मेरे घर च घूमदा रह गया, ओनू फिर जो हाथ लग्या ओनू साइकिल नवी बच्चे दी लई सीगी 10,000 दी साइकिल सीगी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10,000 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2-3 ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ।
अच्छा जी, हाँ मतलब की कहंदे भी दोबारा चोर आया तो मुंशी ना गल करो। जे दोबारा चोर दोबारा किसी होर दे घरे चोरी हो जाती है, तीन चोरियां ऑलरेडी हो चुकियां ने, जे दोबारा किसी होर किसी घर चोरी हो जाती है मुंशी नु फोन करो। अच्छा जी, मुंशी नु फोन करो। तुसी की मांग करदे हो जी? असीं इही मांग करदे हैगे आ वी गल इह नहीं है वी साइकिल चोरी होए ने, गल इह हैगे वी साडे गली च कोई भी बंदा सेफ नहीं हैगा। देखो ना सेफ्टी कित्थे हैगी है, बंदा रात नु आंदा हैगा, जे दिन वेले कि साइकिल चोरी हो जाए कोई बंदा कहता चल यार कोई नहीं 1000-1500-2000 की साइकिल सी चोरी हो गई कोई गल नहीं, पूरी प्लानिंग नाल रात नूं घरे वड़ के साइकिल चोरी करन दा कोई जिहड़ा हैगा ओह इही है वी जो हाथ लग्गिया ओहदे उगला लेके आ के कोई नुकसान भी कर सकदा बंदा? बिल्कुल कर सकदा सर, गल सारी है ही नुकसान दी, गल साइकिल दी नहीं हैगी, गल जानी नुकसान दी हैगी। ठीक है वी सर। अंकल जी मेरा ईश्वर बोगरा। कित्थे रहंदे सर जी? जे चारवड़ दिन गोविंद कॉलोनी। सर जिहड़ा ये इलाका है सेंटर इलाका है राज? बिल्कुल सेंटर इलाका है। ठीक है जी। इत्थे कोई सेफ्टी नहीं है, कब चोर आंदा है की चक के ले जांदा है की नहीं करदा, जे पुलिस नूं रिपोर्ट लिखाण जाओ कोई लिख के राजी नहीं, अगला फिर 20 बारी बुलांदा है आ जाओ जी हुण इहदे चलो साइकिल है, अजकल साइकिल ही 15-20 हज़ार तों घट नहीं आंदी है, और रात नूं 2-2, 3-3 बजे चोर आ, हालांकि मैं 1:15 सोया और 3 बजे मेरी साइकिल चोरी हुई है जी, कोई देखभाल नहीं कोई गल नहीं, कोई बात चलो स्कूटर खड़े हैं और कुछ खड़ा है, बंदा की सेफ है मतलब तुहाडे घर भी चोरी हुई है जी? हां यहां साइकिल चक के ले गए जी। तुहाडे घरों भी साइकिल ले गए? हां जी हां जी। ये मतलब 2-3 दिन दे अंदर अंदर ये कटो कट मतलब 8-10 दिन तो ये वारदात हो रही ने। अच्छा इसी एरिया च? इसी एरिया विच ही। ठीक है जी। और केड़ा बंदा आंदा किस तरह, और देखो असी कैमरे खंगालिया 3:15 बजे साइकिल चक के ले गए और साइकिल देखना चला के ले गए साइकिल, और कोई सेफ्टी नहीं है ना कुछ वगैरह जी। तुसी भी कराई है पुलिस की कंप्लेंट? नहीं पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई भाई, पुलिस कंप्लेंट करावांगे लेकिन आ जाओ जी 20 बारी बुलाएंगे और मिलना कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तुसी वैसे मांग की करते हो? असी मांगदे सेफ्टी होनी चाहिए, पुलिस लेके चोर नूं लब्भे जी वे चोर कित्थे है, केड़ा बंदा आंदा केड़ा नहीं आंदा। तुसी चौकीदार नहीं रख्या होया? चौकीदार हैगा। हां जी चौकीदार भी कोई सेफ्टी नहीं है, चौकीदार अगला आंदा पे ले जांदा भाई मैं इधर था लंबा इलाका है। सर राम मुकेश कुमार है। कित्थे रहंदे सर? खड़का हो पता ही नहीं लगया कदो एक साइकिल पहला लेके गया अद्धे पौने घंटे बाद दूजी साइकिल उठा के ले गया, कोई सेफ्टी नहीं है जी इत्थे, कोई सुनने वाला नहीं, पुलिस कोल चले जाओ नहीं ध्यान देंदे, कोई चौकीदार कह दिंदा मैं तो दूजी जगह सीगा जी पता ही नहीं लग्गिया, मैं तो गेड़ा मारदा परली साइड होना। ये चोर जिहड़ा इक्को ही बंदा जां नाल होर वी बंदे हुंदे होंगे? साडे घर तो इक ही सीगा जी। अच्छा जी हां जी। तुसीं की मांग करदे हो जी? सेफ्टी चाहिए जी। ठीक है जी। बच्चा हुण बच्चा दा क्या अंदाजा लाइए, जां साइकिल उठा के ले जा सकदे, कल नूं कोई बच्चा भी उठा के ले जा सकदा। राजपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 89। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बिनू ढिल्लों ते तुसी देख रहे हो न्यूज 89। जे तुसी इस चैनल नूं मानदे हो तां इस चैनल नूं सबसक्राइब भी करो। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो न्यूज 89। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरगुण मेहता ते तुसी देख रहे हो न्यूज 89 चैनल। दुनिया भर की ताजा अपडेट्स के लिए न्यूज 89 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। धन्यवाद।